मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बताता आया हूँ, फिर भी आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग क्या क्या बोलते रहते हैं उन पर ट्रस्ट कर लेते हो। देखिए, मैंने आपको प्रूफ के साथ में कल बता ही दिया था, फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर 25 को रिजल्ट आ जाएगा क्या। तो दोस्तों, मैं आपको इसके रिगार्डिंग वैलिड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए, जो UPCHO 5505 वैकेंसी का रिजल्ट के बारे में जो मैंने आपको लिए कल बताया था दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन आपकी सही है। और जो 25 की बोल रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, तो दोस्तों 25 को रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि 25 को किस तरीके से रिजल्ट आपका आ जाएगा, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, आपकी आंसर की बहुत जल्दी आ गई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट दोस्तों, रिजल्ट में टाइम लगता है, आप सबको पता है इस चीज़ के, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन डेट जो है आपकी निकली है, ठीक है। ऑब्जेक्शन के बाद में आपके सामने जो क्वेश्चन सही होके आएंगे उसके लिए भी डाटा आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है रिजल्ट के बारे में कुछ कह सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपके लिए बताया था कि दोस्तों, जो 2021 में एग्ज़ाम हुए थे, 9 और 10 को एग्ज़ाम हुए थे, और उनका रिजल्ट कब आया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डाटा लगाया और बताया कि आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड कब तक आ सकता है, उसके बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था। फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूं दोस्तों, उसको आप ध्यान रखिए। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं वो खुद रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन इसमें नए स्टूडेंट्स हैं जो उनको पता नहीं रहता साइट पे, कौन सी साइट पे जो फाइनल रिजल्ट आता है, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज़ हैं रिजल्ट को लेकर, कि बस रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। ऐसा सभी के साथ में होता है, जो भी किसी भी एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी वैकेंसी का एग्ज़ाम देते हैं, बस उनको ये लगा रहता है कि रिजल्ट जल्दी से आ जाए और हमें पता लग जाए हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। ऐसा होता है अक्सर स्टूडेंट्सों के साथ, ऐसा होता है। लेकिन इसके बारे में जो मैं आपको बताऊं, रिजल्ट तो दोस्तों आपका आना ही है, लेकिन जो कन्फ्यूज़न रहती है कि सर 25 को रिजल्ट आएगा, आप कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं क्या सर सच में 25 को रिजल्ट आपका जो UPCHO का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो कोई बोल देता है आप ट्रस्ट कर लेते हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपको 25 को एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। अभी इसकी फिक्स डेट नहीं है कोई भी, हम कन्फर्म नहीं कह सकते 25 को आएगा, ठीक है, कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता है कि 25 को रिजल्ट आएगा। इसकी जो मैंने एक्सपेक्टेड डेट जो आपको कल बताई थी वीडियो में, कि आपका जैसे आपका जो है सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, और आपका जो है नवंबर में आपका रिजल्ट आया था, तो अब की बार थोड़ा पहले आ सकता है, कुछ दिन पहले, ठीक है, तो अगले महीने के लास्ट वीक में भी आ सकता है, अगले महीने में आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है लेकिन कन्फर्म नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर 25 को कन्फर्म आ जाएगा रिजल्ट, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं UPNHM की ऑफिशियल वेबसाइट को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो देख सकते हैं अपना रिजल्ट, लेकिन जो नहीं जानते दोस्तों वो कन्फ्यूज रहते हैं, तो उनको क्या करना है, UPNHM डाल देना है गूगल पे जाकर। UPNHM जैसे ही आप डालोगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी, और आपका रिजल्ट की कोई भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर यहाँ पे देखने मिल जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या अपडेट है, अभी यहाँ पे अपडेट है ऑब्जेक्शन पोर्टल लाइव 5505 CHO लाइव टिल कितने बजे तक थी, ये 14/9/2022 तक थी, अब ये बंद हो गई है। अब आपकी जो है, अब आप ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकते। अब आपके नंबर, देखिए अगर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया है सही तरीके से, तो आपके नंबर NHM को भी पता पड़ेगा कि हाँ हमारे क्वेश्चन गलत हैं, और जो स्टूडेंट्स ने वैलिड इन्फॉर्मेशन दी है और प्रूफ के साथ में किसी भी बुक या नोट्स तो नहीं चलेंगे दोस्तों, ऑथेंटिक बुक यहाँ पे जो है, अगर आपने उसको पिक भेजी है तो आपका नंबर एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ये बात श्योर है। अगर आपका क्वेश्चन गलती से भी गलत हो गया है, या फिर आपसे कोई भी ऑप्शंस या फिर कोई भी ऐसी गलती है जो हाँ गलती है और NHM इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपका 100% एक नंबर बढ़ जाएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जिन्होंने भी ऑब्जेक्शन लगाया है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया क्योंकि उनको आता नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो भी डाली किस तरीके से लगाना है, उसके बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने लगाया, बहुत अच्छी बात है। तो अभी बस यही अपडेट है इसकी, रिजल्ट की यहाँ पर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है, रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड जो मैंने आपको बताया तब तक आ जाएगा, ठीक है, और बाकी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए आपको। मैंने आप सबके लिए कट ऑफ के बारे में सब कुछ बता दिया है, और जो पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी वो भी मैंने आपको बता दिया है, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में सारी प्रोसेस मैंने आपके लिए बता दी है, तो इसका मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारी अपडेट हम आपके लिए एक्यूरेट बताते रहेंगे और आगे भी बताते आए हैं। कोई भी वैकेंसी अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको बताते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों, जानकारियाँ नहीं होती हैं उसकी वजह से वो रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानकारियां तो हर चीज़ की होनी चाहिए, इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहते हैं,
ठीक है। तो ये जानकारी मुझे आपके लिए देनी थी दोस्तों। रिजल्ट 25 को फिक्स नहीं है, ये जो भी जिसने भी बताया है कि रिजल्ट 25 को आ जाएगा आप लोगों को, तो दोस्तों ये नहीं आएगा अभी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, 25 को रिजल्ट नहीं आने वाला। काफ़ी स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन, स्टूडेंट्स बस यही है दोस्तों। मान लेते हैं बात, जैसे 25 को किसी ने बोल दिया होगा तो 25 को मान लिया कि 25 को रिजल्ट आएगा, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। टाइम लगेगा अभी रिजल्ट में, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आंसर की जारी कर दी गई है, बस अगले महीने में आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, वो जल्दी से जल्दी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया है, अगर कोई भी ऑथेंटिक जानकारी लेनी है तो UPNHM की ऑफिशियल वेबसाइट को किस तरीके से ओपन करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को जो भी कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।